ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। मामा जी, इसको काहे को मार दिया? अरे तो अपना ही आदमी था ना। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसके बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा हो पैतरा हमारी स्कूल का है और इस ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया ये कहा है? मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहां बिखेर रही हूं ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। बचकुंदा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है, हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठा कर खुद ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, इस शराफा से नहीं ना बताएगा, तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल कठोर ज्ञान। एक आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। या।
याद है ये जगह? यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। तुम भी हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला क्या राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है इसका पता चल चुका है। बुढ़बक, हमका उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत सताता है। लाल बिहारी जी,
आप शायद हमसे हमारे बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं। देखो हम बहुत टेंशन में हूँ, हमारा माथा बहुत कनक रहा है। हमारे अखाड़े का तीसरा पहलवान मार दिया है बचकुंडे ने, और तुम हो कि वो कहा कहते हैं उसको हाथ धरे बैठे हो। हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठे हैं बिहारी जी, हमारी कोशिश जारी है, सबूत की तलाश है। आप एक काम कीजिए, तीसरी कंप्लेन भी लिखवा दीजिए। बात दरोगा जी बात, सरकारी सुझाव दे रहे हो हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट लिखाता रहूं और वो हमारे पहलवानों को दिन दहाड़े कंप्लेंट की तरह तोड़ता रहे। बूझ रहे हैं तुम्हारी चतुराई, खूब बूझ रहे हैं। आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं बिहारी जी। कानून के अखाड़े में बिना सबूत के कोई पहलवानी नहीं चलती, वरना अब तक कई पहलवानों को उठा के चित कर दिया होता हमने। बूझ रहे हैं ना आप? बुझाया, लेकिन जब तक आपको बुझाएगा तब तक हमारा अखाड़ा चटियल मैदान बन जाएगा, और उकल का लौंडा हमारी छाती पे चढ़कर तांडव करेगा। क्यों बड़े बुड़बक हो? अरे भैया ये तो वही बता सकेगा ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों वो एक एक करके आपके आदमियों को मार रहा है? क्यों वो लाशों की सीढ़ी बनाकर आप तक पहुँचना चाहता है? क्या दुश्मनी उसकी आपसे? दुश्मनी तो आप हमसे निभा रहे हैं, सवाल पर सवाल चपट रहे हैं। कह दिया ना, हमको कुछ नहीं मालूम। मालूम तो है, और मालूम उन बस्ती वालों को भी है जिनकी जबान पर दहशत के ताले पड़े हैं और पैरों में बुजदिली की बेड़ियां। सच ये है लाल बिहारी कि राजू की बहन का बलात्कार तेरे इशारे पर हुआ है। बकवास मत करो दरोगा जी, तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर वाले तक? फिर तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता। और दोबारा अगर मुझे पहुंच दिखाने की कोशिश की तो उठा के तुझे अंदर कर दूंगा, वो भी बगैर सबूत के, क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जय अभ्यास है, गेट आउट।